हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन करने वाले हैं, न्यू बुक एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट से शुरू करते हैं। अगर इस क्लास के आपको नोट्स चाहिए तो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट से अब हम लोग शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है 140। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर में उन नंबरों को हमें क्या करना है, एक्सप्रेस करना। तो मेरे प्यारे बच्चों, किसको करना है? सबसे पहले 140 को। किसको करना है? 140 को। तो फटाफट से हम लोग 140 को करते हैं। देखिए 140 को मैं 2 से कट कर लेता हूँ 70, और उसके बाद फिर 2 से कट करता हूँ 35। फिर मेरे प्यारे बच्चों 3 से कट कर लेते हैं 5, एंड देन सॉरी 7। 3 से नहीं कट होगा ये, फाइव से कट होगा। हमने इसको 5 से कट करा तो कितना आया 7, और फिर 7 से कट करा मेरे प्यारे बच्चों तो आया 1। तो 140 जो कि मेरा नंबर था वो कितना आया है, वो आया है 2 इंटू 5 इंटू 7। अगर अब हम इसको लिखें तो इम्प्लाइज व्हाट, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। सो द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर 140 इज व्हाट, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इज इम्प्लाइज 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। आई होप सो ये बात आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए फटाफट से करते हैं अगले क्वेश्चन को हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने जो है वो ये है 156। तो मेरे प्यारे बच्चों 156 को हम लोग को करना है। हम यहाँ पे 156 के फैक्टर फटाफट से कर लेते हैं। हमने 2 से कट करा तो कितने टाइम्स आएगा, 2 सेवन ज़ा 40, 1 कैरी किया 2 8 ज़ा, फिर 2 से करा 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 1 इधर चला गया 2 9 ज़ा, आफ्टर 3 से करा। तो मेरे प्यारे बच्चों जब 3 से करा 3 1 ज़ा 3 ज़ा, और फिर किससे करा 13 से करा 13 1 ज़ा। क्लियर होती है बात इतनी? तो चलिए फटाफट से इसको लिख लेते हैं। तो 156 के मेरे पास में क्या क्या आ रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, और ये इम्प्लाइज कर रहा है 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 30। सो द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 156 इज वॉट, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। आई होप सो आपके बात समझ में आ रही होगी। 140 का मेरे प्यारे बच्चों क्या था, 140 का था 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, और 156 का क्या है, 2 की पावर 2 3 इंटू 13। क्लियर होती है बात इतनी? चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 3825। 3825 को फटाफट से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए 3825, अब 3825 को करने के लिए सबसे पहले अपन इसको 5 से कट कर लेते हैं, 5 7 ज़ा 35। तो कितना अपने यहाँ पे बच गया, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कितना बचा हुआ। अगर ये अपन ने इसे 7 से कट कर लिया तो हमारे पास में बच जाता है 3, तो हो गया 32। 5 6 ज़ा 32, और हो गया 25 5। क्लियर होती है बात? अब इसे किससे कट करेंगे, फिर से 5 से, 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5, कितना बच गया यहाँ पे 2। ठीक है 2 इधर गया तो 5 5 ज़ा 25, 1 इधर गया 5 3 ज़ा 15। अब ये चला जाएगा 3 से, तो मेरे प्यारे बच्चों 3 5 ज़ा 3 1 ज़ा, और ये 51 फिर किससे कटता है, 3 से कटता है। ठीक है 3 1 ज़ा 3 3 7 ज़ा, एंड देन 70। तो द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3825 इज वॉट, 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेरे सामने आता है मेरे प्यारे बच्चों, 3825, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। इम्प्लाइज वॉट, 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 17, 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 17। तो 3825 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है बेटा वो कितना है, 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 17। आई होप सो ये बात आपके पूरी तरीके से समझ में
आ रही होगी। उम्मीद करते हैं ये पूरी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आपके ये क्या होगा, क्लियर होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलिए तो फटाफट से चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 505। यहाँ पे कर लेते हैं 5005 का फैक्टर, 5 1 5 0 0 5 1 5। अब मेरे प्यारे बच्चों ये किससे कट हो जाएगा, अब अपन इसको कट कर लेते हैं 7 से। आई होप सो ये 7 से कट होना चाहिए। 7 1 7 3 चला गया, हो गया 30। 30 होने के बाद 7 4 28, अब बच गया 2। 7 3 21, ये यहाँ पे कट गया 143। अब 143 जो है वो 11 से कट होता है, कितने टाइम कट होगा, 11 1 11 और 11 3, आफ्टर दैट ये 13 से कट होगा। क्लियर है बात। तो यहाँ पे मेरे पास में जो 5005 का आता है वो आता है 5 × 7 × 11 × 30। क्लियर होती है बात, आई होप सो ये बात आपके समझ में आ रही हो। उम्मीद करते हैं पूरी तरीके से क्लियर होगी। 5005 को पहले 5 से कट करा तो आया मेरे प्यारे बच्चों 7, फिर इसके बाद में 11 से कट करा तो आया 143, सॉरी 7 से कट करा तो आया 143, फिर 11 से कट करा तो आया 13, 13 से कट करा तो मेरे प्यारे बच्चों आया 1। क्लियर होती है बात। यहाँ पे हमने लिखा 505 को 5 × 7 × 11 × 13, और ये सब प्राइम नंबर्स ही हैं, तो ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर हो गई बात। चलिए फटाफट से 7429 को हम लोग करते हैं। तो अब मेरे पास में अगला आता है 7429। तो मेरे प्यारे बच्चों 7429 किससे कट हो जाएगा ये सोचो, जितनी जल्दी आप ये बात आपके दिमाग में आ जाएगी तो बढ़िया, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। आप ये मान के चले आपके पीरियडिक में, फिर इसके बाद आपका हाफअर्ली में, और उसके बाद आपका प्री बोर्ड में और बोर्ड्स में, सबके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मेरे प्यारे बच्चों इम्पोर्टेंट है, तो ये हमें रटा होना चाहिए। चलिए तो 7429 ये कटता है 17। 7429 मेरे प्यारे बच्चों किससे कट जाता है, 17 से। तो इसे डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे, 7429 डिवाइड बाय 17, ओ सॉरी 17 से डिवाइड करना। तो जब हमने इसे 17 से डिवाइड करा बेटा तो कितना आया, तो 17 4 17 4 17 4 कैरी 2, 7 4 28 कैरी 2, 4 1 4 और 6 कितना बच जाता है यहाँ पे, तो इधर कैरी गया 14, यहाँ पे कैरी गया 14, 14 में से 8 गया तो कितना बच गया यहाँ पे 6, 14 में से 8 गया तो 6 बचाना बेटा, और यहाँ से आ गया कितना ये 2। क्लियर होती है बात, आई होप सो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये आ गया 2, ये हो गया 62। अब ये 62 हो गया तो कितनी बार चला जाएगा, तो ये 3 टाइम चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 17 3 जा, तो 7 3 जा 21 कैरी 2 और 3 1 जा 51। अब यहाँ से मेरे पास में मेरे प्यारे बच्चों कितना बच जाता है 1 और 1 11, और ये आ गया कितना 9, 1 और 1 11, और यहाँ से हमने उसको 9 कर लिया। और ये 119 कितनी बार में आता है, तो अगर आपको 7 का टेबल आता होगा तो आपको 17 का टेबल आता होगा, आपको पता होगा ये 7 टाइम में जाता है, कितने टाइम में जाता है मेरे प्यारे बच्चों 7 टाइम में जाता है। तो यहाँ पे ये कट हो जाएगा तो आ गया 437। अब इस 437 को हम लोग 19 से कट करेंगे, किससे कट करेंगे 19 से कट करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं फटाफट से 437 को हम लोग 19 से कट करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर हमने 19 से कट करा तो 19 2 38 कितना बच गया यहाँ पे 2 और ये 57 और 19 3 57, तो हमें पता चलता है कि ये 23 टाइम कट हुआ, और 23 खुद में एक प्राइम नंबर होता है, तो ये 23 से ही कट होगा। अब हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन इसका है कितना, 17 × 19 × 23, 17 × 19 × 23। आई होप सो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो चलिए फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं आगे की ओर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मेरे प्यारे बच्चों आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई डैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एलसीएम और एचसीएफ दो नंबरों का प्रोडक्ट होता है, इसको वेरीफाई करना है। तो इसको वेरीफाई कैसे करेंगे आइए देखते हैं फटाफट से। तो सबसे पहला काम है 26 और 91 का क्या लेना मेरे प्यारे बच्चों, एलसीएम लेना। तो 26 और 91 का यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो 26 के फैक्टर कर लेते हैं, 2 वन जा 2 थ्री जा और 13 वन जा। तो यहाँ से मेरे को पता चला, फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का यहाँ उठाया और हमने लिखा 26 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 30 एंड देन 91 मेरे प्यारे बच्चों सो हमने करा, तो 91 का कितना आया, 91 से हम लोग कट कर सकते हैं किससे, 13 से, ठीक है, 13 से डायरेक्ट 91 कट हो जाता है। और कितने टाइम होता है, 7 टाइम होता है और 7 वन जा जाएगा यहाँ से। तो मेरे प्यारे बच्चों 91 के लिए आता है, 91 के लिए आता है 13 इंटू 7, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके लिखना चाहेंगे। तो बेटा फटाफट से देखिए, ये आता है 7 इंटू 30। अब दो बातें उसने हमसे कही हैं, दो बातें उसने हमसे बोली हैं। एक तो बात बोली है हमसे क्या करने को, एक तो बात हमसे बंदे ने बोली है कि आप निकालिए SCF, आप निकालिए क्या SCF, एक बात बोली है SCF निकालने को। तो मेरे प्यारे बच्चों हमें पहले तो SCF निकालना है, उसके बाद हमसे बोला है LCM निकालने को, फिर उनका प्रोडक्ट और उसको करना। SCF क्या होता है, SCF होता है कॉमन नंबर, इन दोनों में जो भी नंबर कॉमन होगा वो SCF होगा। तो SCF कितना हो गया बेटा, 30। SCF कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 13 हो गया। आई होप सो आपके समझ में आ रहा होगा। SCF क्या होता है, कॉमन नंबर। SCF क्या होता है बेटा, कॉमन नंबर। तो इन दोनों में कॉमन कौन हुआ, 13। तो 13 मेरा क्या हो गया, SCF हो गया। अब यहीं पे अगर मेरे प्यारे बच्चों हमसे कहता है LCM बताओ क्या होगा, तो हम कहते हैं LCM जो होता है ना, कॉमन नंबर तो लो, उसके संग में सारे नंबर ले लो, कॉमन नंबर विद ऑल नंबर, ठीक है। तो मतलब 2 भी ले लेना, 2 भी ले लो, ठीक है, 13 भी ले लो और 7 भी ले लो, बट कॉमन नंबर सिर्फ एक बार लेना है। लेकिन कॉमन नंबर जो हम लोग लेंगे ना, वो मेरे प्यारे बच्चों सिर्फ एक बार लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो हमने क्या करा, कॉमन नंबर को एक बार ले लिया, कॉमन नंबर एक बार ले लिया मतलब 13, ठीक है, कॉमन नंबर एक बार ले लिया, इसका मतलब क्या करा, 13 ले लिया। आई होप सो क्लियर है। इसके बाद में हमने संग में क्या ले लिया बेटा, 2, और उसके संग में क्या ले लिया प्यारे बच्चों, 7। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरा हो गया एलसीएम। क्लियर होती है बात, ये मेरा क्या हो गया एलसीएम, ठीक है। एलसीएम अगर निकाल लें तो यहाँ पे हो गया 26 और या 13 इंटू 14, तो 4 3 12 कैरी 1, 4 1 4 और 1 5 3 और 1 2 8 1 8 2, द एलसीएम इज 182। अब उसने क्या बोला है, वेरीफाई करो एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना आया, तो 26 इंटू 91, हमने 26 इंटू 91 करा मेरे प्यारे बच्चों, 26 इंटू 91 कितना आएगा, 6 2 और 9 6 54, ठीक है, 9 6 54 कैरी 5, 9 2 18 18 18 और 5, नाउ 18 और 5 इज व्हाट, 23, नाउ 6 6 3 2, सो द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इम्प्लाइज 2 3 6 6, 2 3 6 6 इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। आई होप सो आपके समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत, चलिए फटाफट से फिर आगे के लिए शुरू करते हैं, जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों आगे के लिए शुरू करते हैं, आगे क्या है देखते हैं। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आगे, अब कहते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ, एचसीएफ एलसीएम इंटू एचसीएफ निकालते हैं। तो देखिए एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों एलसीएम कितना है इसका, 13, और एचसीएफ कितना है, 182, तो 13 इंटू 182 करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 182 और 13, जो आ गया 6 8 3 जा 8 3 जा 24,
ठीक है, 8 3 24 कैरी 2, 3 1 3 और 2 5, 5 46, यहाँ से आया 2, यहाँ से आया 8, यहाँ से आया 1 6 6 और 8 और 5, 8 और 5 मेरे हिसाब से 13 हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आ गया 2 2 3 6 6। नाउ इट इज व्हाट इट इज इम्प्लाइज 2 3 6 6। सो वी कैन से डैट, वी कैन से डैट एलसीएम इंटू एस एफ इज ऑल्सो 2 3 6 6 एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 2 3 6 6, दैट्स वाई इट इज इक्वल। आई होप सो ये आपके समझ में आया होगा। चलिए फटाफट से आप इतने को नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से स्क्रीन शॉट लेना, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, नोट करना है नोट कर लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपने इसको नोट कर लिया होगा, स्क्रीन शॉट लेना है तो स्क्रीन शॉट ले लिया होगा। चलिए आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 51092, तो हमने दो नंबर्स ले लिए 510 और 92। अब मेरे प्यारे बच्चों 510 के फैक्टर कर लेते हैं। सबसे पहले तो 5 से कट हो जाएगा, 5 1 2, ठीक है, फिर 2 से कट हो जाएगा, 2 5 1 जा, 3 से कट हो जाएगा, 3 1 जा और 3 7 जा, फिर 17 से कट हो जाएगा। तो यहाँ से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाता है 5 2 3 17। नाउ 92 का करते हैं, तो 92 2 से कट होगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा, फिर 2 से कट होगा, 2 3 जा एंड देन 23, सॉरी सॉरी सॉरी। अब यहाँ से ये आएगा 23 टाइम, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाता है 2 into 23। अब मेरे को क्या चाहिए, एस सी एफ चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों अभी आपको बताया था एस सी एफ के लिए क्या चाहिए होता है, एस सी एफ के लिए क्या चाहिए होता है, एस सी एफ के लिए चाहिए होता है भैया जो कॉमन हो। कॉमन क्या दिख रहा है, ये कॉमन क्या दिख रहा है, ये तो ये कॉमन हो गया एस सी एफ। और एलसीएम मेरे प्यारे बच्चों, एलसीएम के लिए सिखाया था जो कॉमन है उसे एक बार ले लो, बाकी सारे नंबर ले लो। तो कॉमन एक बार आ गया 2, फिर इसके बाद ये वाला 2, फिर इसके बाद 23, ठीक है, ये आफ्टर डैट 5, आफ्टर डैट 3, आफ्टर डैट 17। इन सब का प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। अब हमें इसके बाद में कंडीशन भी वेरीफाई करनी है, ठीक है, कंडीशन भी वेरीफाई करनी है। चलिए तो पहले तो प्रोडक्ट कर लेते हैं, 5 3 15 15 2 30 32 60, नाउ 60 एंड 23, तो 0 18 और 0 12, नाउ 0 8 3 1 1 3 8 0 मेरे पास में आ चुका है बेटा, किसका, इन सब नंबर को मल्टीप्लाई करके। आफ्टर डेट 17 से करेंगे, 0 7 8 जा, ठीक है, या 8 7 जा या 7 8 जा, ठीक है, कितना होता 7 8 जा, 56 कैरी 5 7 3 जा, 7 3 जा 21, 21 और 5 26 कैरी 2 7 बन जा 7 और 2 9, 0 8 3 1, नाउ 0 6 8 और 2 8 और 2 व्हाट, सॉरी 8 और 6, 8 और 2 10 और 4 14 कैरी 1, 10 और 13 कैरी 1, सो द प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर इज 2 3 4 6 0, 2 3 4 6 0। तो मेरे प्यारे बच्चों इनका प्रोडक्ट कितना आया मेरे सामने, 2 3 4 6 0, इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, बताइए समझ में आता है नहीं आता, 2 3 4 6 0। अब मेरे को क्या चाहिए, अब मेरे को चाहिए है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या होगा, तो 510 मल्टीप्लाई विद 92। मेरे प्यारे बच्चों ये साइड में हम लोग कर लेते हैं 510 और 92 की मल्टीप्लाई, तो 0 2 10 0 9 45, अब इसको ऐड करते हैं 0 2 9 6 4, 4 6 9 2 0, नाउ द नंबर इज व्हाट, 4 6 9 2 0, नाउ द नंबर इज व्हाट, 4 6 9 2 0, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज मेरे प्यारे बच्चों 4 6 9 2 0, एंड प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम इंटू एस सी एफ इज व्हाट, तो एलसीएम इंटू एस सी एफ इज इक्वल टू व्हाट, 2 इंटू
2, 3, 4, 6, 0, 0, 12, carry 1, 8 और 1, 9, 6, 4। और हम देखते हैं ये दोनों इक्वल आए हैं और यही हमें वेरीफाई करना था। तो मेरे प्यारे बच्चों एग्जैक्टली एक फार्मूला ही होता है एलसीएम इंटू एससीएफ इजिकल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो कि क्या आ रहा है एलसीएम इंटू एससीएफ इजिकल टू 2 into 2, 3, 4, 6, 0, 4, 6, 9, 2, 0, 4, 6, 9, 2, 0, बोथ आर द इक्वल, सो इट इज वेरीफाई। ये अपने आप में क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करना है नोट कर लीजिए, चलते हैं फिर अपने आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए चलते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 3, 3, 6 and 54। इसका हमें क्या करना है, 3, 3, 6 और 54 का हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है और एससीएफ लेना है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3, 3, 3, 6 और 54। अब हम लोग यहाँ पे 3, 3, 6 को ले लेते हैं और इसको कट करते हैं, 3 1 जा 3 1 जा 3 2 जा, 2 से कट हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 6 जा, फिर 2 से कट हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 8 जा, फिर 2 से कट हो जाएगा, 2 1 जा, 2 4 जा, फिर 2 से कट हो जाएगा 7 टाइम और 7 से कट हो जाएगा 1 टाइम। तो 3, 3, 6 का जो आता है वो आता है 3 into 2 into 2 into 2, 1, 2, 3, 4 into 7। 54 के लिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे फिर से फैक्टराइज करते हैं, 2 2 2 जा 4 और 1 2 7 जा, फिर इसके बाद आता है 3 टाइम्स आएगा, 3 9 जा 27 और 3 3 जा, फिर 3 1 जा। तो मेरे प्यारे बच्चों 3 into 3 into 3 into 2, दैट इज 54। अब इसका हम लोग क्या लेते हैं, इससे हम लोग कॉमन पार्ट लेते हैं। एससीएफ निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, कॉमन पार्ट चाहिए होता है। तो देखिए ये इसका कॉमन पार्ट क्या है, 3 है और दूसरा कॉमन पार्ट क्या है, 2 है, इंटू 2, दैट इज 6। एलसीएम लेने के लिए हमको मेरे प्यारे बच्चों क्या चाहिए होता है, कॉमन पार्ट तो एक एक बार लिख लो, बाकी सब फिर से लिख लो। तो 3 टाइम्स 2 बचा हुआ है, तो 2 into 2 into 2 और 2 टाइम्स 3 बचा हुआ है, 3 into 3 और 1 टाइम 7 बचा हुआ है, सबका प्रोडक्ट कर देते हैं। 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 3 9 27। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 16, 16 और 27, ठीक है। 7 6 जा कितना होता है, 7 6 जा कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, 42। 7 6 जा कितना होता है, 42, कैरी 4, 7 1 जा 7 और 4, 7 और 4 कितना होता है, 112, ठीक है, 7 और 4 11। तो यहाँ पे आ गया 12, कैरी 1 और 2 बन जा 2 और 3, तो दैट इज 2, 3, 4, 4, 3, 2, यहाँ तक का हो गया बेटा पूरा। अब बचा है 7, 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है कितना, 14, कैरी 1 और 7 21, 22, कैरी 2, 7 4 जा 28 और 2 30, 3024, तो दैट इज 3024। अब मेरे प्यारे बच्चों चलते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। अगला पार्ट देखो हमसे क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कह रहा है। तो हम लोग निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर्स का प्रोडक्ट कितना, तो नंबर है 3, 3, 6 into 54, साइड में कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कर लिया 3, 3, 6 into 54, तो 6, 4 जा 24, कैरी 2, 12, 12 और 2, मेरे प्यारे बच्चों 12 और 2 कितना होता है, 14, 14 का 4, कैरी 1 और 12 और 1 30, नाउ 30 कैरी 3, 15 और 3 18, कैरी 1, 15 3 18 और 1 70, नाउ 4 4, 8 और 2 10 और 1 11, कैरी 1, 7 1 8 1 9 1 9 4 4, सो द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1 9 1 4 4। सो द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज व्हाट, 1 9 1 4 4। तो मेरे प्यारे बच्चों आई होप सो ये चीज आपके समझ में आ रही होगी, ठीक है, ओके। कहीं पे मल्टीप्लाई में कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, आई होप सो, होनी तो नहीं चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं, 6 4 जा 24, कैरी 2, 12 2 14, कैरी 1 और 12 और 1 30,
थर्टीन, ओके, और 5:30 कैरी 3, 5:15 और 3:18 कैरी 1, 15:01 7, ओके, तो यही आएगा। नाउ अब हमें क्या निकालना है, एस टी एफ इन टू एल सी एम निकालना है, ये कितना आएगा हमें, आइए चेक करते हैं फटाफट से। तो एस टी एफ इन टू एल सी एम कितना आता है, 336 इंटू 54, एक बार चेक भी कर लेते हैं कितना होगा, अदरवाइज यहाँ पे चेक करते हैं। तो एल सी एम इंटू एस सी एफ मेरे प्यारे बच्चों 3024 इंटू 6 4 24 कैरी 2 6 2 12 14 कैरी 1 और 101 और 18 मेरे प्यारे बच्चों हम लोग कह रहे हैं 19144 और जा रहा है 18144, कहीं ना कहीं हमारी मिस्टेक हुई है मल्टीप्लाई में, मेरे को लग भी रहा था, तो मैं एक बार फिर से इस पूरे प्रोसेस की मल्टीप्लाई को करते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट से पूरे प्रोसेस की मल्टीप्लाई को एक बार फिर से करते हैं। हाँ जी, क्या है मल्टीप्लाई के लिए, 336 की मेरे प्यारे बच्चों हमें मल्टीप्लाई करनी है, किसके संग में करनी है, 54 के संग, तो करते हैं 6 4 24 32 4 3 12 या 3 4 12 4 3 12 12 और 2 14 कैरी 1 4 3 12 और 1 30 5 6 30 15 और 3 18 कैरी 1 15 और 1 16 मेरे प्यारे बच्चों देखो यहीं पे गलती हुई थी, 4 4 8 2 10 और 1 11 कैरी 1 6 1 17 1 18 और ये, तो ये हमारा यहाँ पे कितना आएगा, 18 आएगा, ये इसको सही कर लीजिएगा, इसको प्लीज सही कर लीजिएगा, ये 18 आएगा। चलिए मैं सही करके लिख देता हूँ यहाँ पे 18 आएगा, तो 18144। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों ये आपके समझ में आया होगा, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से मेरे प्यारे साथियों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।